बाबा अपना गणपति स्थापना दिवस के बारे में कुछ बताएंगे। 10 दिन पहले से तैयारी चालू हो गई है। 10 दिन पहले से तैयारी चल रहा है जी। पंडाल लगना चालू हो गया है। पंडाल लगना चालू हो गया और भव्य पंडाल लगेगा जी। जी भंडारा होगा जी। जी लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगा, कोरोना का भी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स इस वक्त हूँ मैं बाकी नदी के पास और आजकल खेत में पूरा खेत धान लगे हुए हैं। पूरा खेत में हरी भरी धान लगे हुए। फ्रेंड्स यहाँ पे यंग तिरंगा युवा समिति द्वारा गणपति स्थापना की खूब जोरों से तैयारी चल रही है। सुनने में आया है कि यहाँ पे बंगाल से कारीगर आए हैं। यहाँ पे हमारे यंग तिरंगा के ये सदस्य लोग। विकास जी पंडाल लगना चालू हो गया गणेश स्थापना के लिए। हाँ, जसपुर में इस बार जसपुर में ऐतिहासिक गणेश जी का जो मूर्ति बैठेगा वो जसपुर में सबसे बड़ा बैठेगा। अच्छा, 2 साल गैप हो गया था। हाँ, इसलिए हम लोग इस बार भव्य रूप से गणेश जी बैठाने का मन बना लिए हैं और इस बार भव्य पंडाल के साथ सबसे बड़ा मूर्ति गणेश जी का जसपुर में यही स्थापित हो रहा है। अच्छा, आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इसके मतलब दर्शन का लाभ उठाएं। जी बंगाल से मंगवाए। हाँ, और सज्जू जी कुछ बोलना चाहेंगे? आप देख ही रहे हैं काम, बारिश काम चालू है ना, चल रहा है। जी जी जी, मतलब समझ जाइए कितना बड़ा भव्य। अभी 10 दिन बचा है ना, बैठने वाला है। 10 दिन पहले से चालू हो गया। 10 दिन पहले से कार्यक्रम चालू, तैयारी हो चुकी है। बंगाल से मिस्त्री लोग आए हुए हैं। बहुत ही बड़ा भव्य पंडाल लगेगा यहाँ। बंगाल से आ रहे हैं क्या मिस्त्री लोग? बंगाल से आ चुके हैं, आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, जाकर उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए। जी जी, कौन है? राजकुमार जी। और यूट्यूब और राजकुमार साहब अपना गणपति स्थापना दिवस के बारे में कुछ बताएंगे। 10 दिन पहले से तैयारी चालू हो गई है। 10 दिन पहले से तैयारी चल रहा है जी। पंडाल लगना चालू हो गया है। पंडाल लगना चालू हो गया और भव्य पंडाल लगेगा जी। जी भंडारा होगा जी। जी लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगा, कोरोना का भी शंका है। ठीक है, प्रशासन क्या करती है इसके बारे में मेरे को नहीं पता। राजकुमार जी बहुत जबरदस्त तैयारी चल रहा है यहाँ पे। बहुत जबरदस्त पंडाल भी बनेगा जी, भंडारा भी होगा जी। जी जी, लोग आएंगे देखेंगे जी। ठीक है, और जसपुर जिला में सबसे अच्छा वन पीस रहेगा। यहाँ पे गणपति स्थापना की तैयारी चालू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंडाल लगना चालू हो गया। यहाँ पे भी भव्य गणपति स्थापना की जाती है। जस्ट बाजार डांड के जस्ट बगल में बलराम मंच में पंडाल लगना चालू हो गया है। सुनने में आया है कि यहाँ पे कलकत्ता से बनाने वाले पंडाल लगाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा गणपति स्थापना देखने को मिलेगा जसपुर वासियों को। फ्रेंड्स आज दिन भर से बारिश आ रही है। जैसे घर से निकला वैसे बारिश चालू हो गई थी, लेकिन अभी जैसे हाईवे में पहुंचा अभी धूप कर रही है। मैं छाता भी पकड़ लिया हूं और मैं पनीर की सब्जी लेने जा रहा हूं। फ्रेंड्स आज बारिश के मौसम में सब्जी बनाने का मन नहीं किया, तो मैं पनीर की सब्जी लेने जा रहा हूँ रंगोली ढाबा। यहाँ से जस्ट हाईवे में है रंगोली ढाबा एक सरदार जी का, वहीं मैं पनीर की सब्जी लेने जा रहा हूँ। पनीर की सब्जी लेके आता हूँ और आज दोपहर का खाना खाता हूँ पनीर की सब्जी से। मैं पहुँच चुका हूँ रंगोली ढाबा। देखते हैं, मैं पार्सल के लिए बोल दिया था, मेरा पैकिंग हुआ कि नहीं। क्या भाई मेरा पनीर है? कितना देना होगा? 180 रुपये ना। अच्छा टेस्टी बनाया हो ना? अच्छा बनाते हो ना? मिर्ची कम डालने बोला था, मिर्ची कम डाले है ना? अच्छा, अभी तो सिर्फ पनीर चाहिए। इधर क्या बैंक्वेट हॉल है? ये मेनू चार्ट है। आइए दिखाते हैं। इधर वे ये फैमिली रूम है। अच्छा फैमिली बर्थडे वर्थडे। अच्छा बर्थडे वगैरह मनाते हैं इधर। हां, अन्य कार्य जो भी होता है। आज बुक है कि शाम में? नहीं, शाम को बुक नहीं है। शाम में बुक है ना? ठीक है, मुझे मिल गए धनंजय पांडे जी। ये हाईवे में यहीं बगल में रहते हैं, ये हमारे पुराने मित्र हैं। इनको फ्रेंड्स मैंने पनीर की सब्जी ले ली है और मैं जा रहा हूँ घर। अच्छा हुआ मैंने छाता लेके आया हूँ क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जैसे निकला वैसे धूप कर रही थी, मगर आज का मौसम का मैं सोचा कोई भरोसा नहीं, बारिश आएगा तो और ज़रूर आया।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर की सब्जी लाई है। सरदार जी कैसे भर भर के दिए हैं देखते हैं। वाओ, पैकिंग तो मस्त। गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नया स्टूडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं।